हेलो फ्रेंड्स, तो ये जो प्लांट देख रहे हैं ये है अगेव का प्लांट। ये मेरा बहुत ही पुराना प्लांट है, 2-3 साल पुराना प्लांट है। तो ये देखिए, इसका मदर प्लांट है और इसने कितनी सारी देखिए नई नई बेबी प्लांट निकाली है अपने। देख सकते हैं पूरा पॉट मतलब बेबी प्लांट से भर चुका है, हर जगह से मतलब इसका नया नया ग्रोथ हुआ है। तो आज मैं इसी का प्रोपगेशन करूँगी एक प्लांट का इसमें से निकाल के। तो ये देख रहे हैं मतलब धूप की वजह से इसकी पत्तियाँ कितनी थोड़ा डैमेज पीली पड़ गई हैं, तो इन सारी पत्तियों को मैं रिमूव भी कर दूंगी। और ये बहुत ही हार्डी प्लांट है, ये आसानी से लग जाता है और आप इसे आसानी से मतलब मिट्टी में डाल के लगा सकते हैं। तो ये पानी को स्टोर भी कर लेता है, ये सकुलेंट में आता है, ये स्टेम में अपने पानी को स्टोर कर लेता है। तो देख रहे हैं मतलब इसके कांटे बहुत नुकीले होते हैं। इसकी दो वैरायटी होती है, एक सॉफ्ट वाली और एक ये देखिए हार्ड वाली, जो कि दोनों ही मेरे पास, मैंने उस पर भी वीडियो बना रखी है पहले। तो अगर आपने नहीं देखा तो आप मेरे चैनल पर जाके देख सकते हैं। तो ये देख सकते हैं अगेव का प्लांट है, आज इसी का मैं एक प्लांट की प्रोपोगेट करूँगी। तो देखिए एक प्लांट मैं इसका निकाल लेती हूँ, बेबी प्लांट यहाँ से, देखिए छोटा सा प्लांट है, तो इसी को मैं इसकी सहायता से निकाल लेती हूँ। ये देखिए मैंने एक बेबी प्लांट निकाल लिया, देख सकते हैं कितना ही खूबसूरत लग रहा है ये प्लांट। अब बहुत ही ब्यूटीफुल सा प्लांट लगता है, ईजिली ग्रो हो जाता है, देख रहे हैं जल्दी से इसमें रूट्स भी आ जाते हैं। तो ये देखिए मतलब ये मैंने जो नर्सरी से प्लांट लेके आती हूँ, जो दो बैग बच जाता है मैं उसको फेंकती नहीं, उसी में न्यू प्लांट तैयार करती हूँ। तो ये देखिए पहले से मैंने मिट्टी तैयार रखी है, इसी मिट्टी के अंदर मैं इसको डीप करके लगा देती हूँ और ये आसानी से ग्रो हो जाता है रूट्स। अगर आप इसमें 10-15 दिन पानी नहीं डालेंगे, एक बार डाल के कहीं मतलब चले गए तो ये मतलब अच्छे से सर्वाइव कर लेता है, क्योंकि अपने स्टेम में पानी को स्टोर कर लेता है। जैसे कि देख सकते हैं मतलब बहुत ही मेरा पुराना प्लांट है, देख रहे हैं कितना मतलब हेल्दी लग रहा है अभी भी, बट धूप से थोड़ी इसकी पत्तियां मतलब डैमेज हो रही हैं, पीली पड़ रही हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा हमारे यहाँ पर गर्मी पड़ रही है, इस वजह से प्लांट मतलब बहुत मतलब सूखे बेजान से लग रहे हैं जैसे कि देख सकते हैं। और बहुत ही नुकीले इसके कांटे होते हैं, मुझे तो कितनी बार इसके कांटे चुभ चुके हैं जैसे कि देख रहे हैं। और ये देखिए पूरा मतलब पॉट मेरा देख सकते हैं पूरा टूट चुका है, ये इतना मतलब इसके रूट्स बहुत ज़्यादा हो गए हैं ये मदर प्लांट का। तो देख सकते हैं पूरा गमला डैमेज हो चुका है, हर जगह से देखिए सब जगह से टूट चुका है। तो मैं इसको मतलब अलग गमले में शिफ्ट करूँगी, क्योंकि ये बहुत बड़ा फैलता है, स्पेस को कवर भी कर ले। और इसकी पत्तियाँ जैसे देख रहे हैं बिल्कुल पाइनएप्पल की जैसे दिख रही हैं, वैसे ही उसकी पत्तियाँ होती हैं, जैसे ये भी देख सकते हैं इसका भी पाइनएप्पल की पत्तियाँ जैसे होती हैं वैसे ही ये सेम। और ये मतलब इतना हार्डी प्लांट है, मतलब मैं तो इसको केयर भी नहीं करती हूँ, देख रहे मतलब बिना केयर के भी ये आसानी से लग जाता है। अगर कोई न्यू गार्डेनर है तो ये आसानी से लगा सकते हैं, उसको मतलब इसकी कोई देखभाल उतना नहीं करनी पड़ती है और इसे उतना फर्टिलाइज़र की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। अगर आप डालना चाहते हैं तो महीने में एक बार डाल सकते हैं कोई भी फर्टिलाइज़र, वैसे तो मैं अभी फर्टिलाइज़र कभी इसको देती ही नहीं। देख सकते जैसे कि कितना मतलब बिना केयर का प्लांट है और ये आसानी से देखिए कितने न्यू न्यू बेबी प्लांट भी निकाल रहा है। एक प्लांट से आप बहुत सारे प्लांट तैयार कर सकते हैं और दिखने में बहुत ही खूबसूरत प्लांट लगता है। ये जब बड़ा हो जाता है तो बहुत ही खूबसूरत लगता है, जैसे कि देख रहे हैं मैंने इसका एक प्लांट प्रोपोगेट कर चुकी हूँ आज, देख रहे हैं जैसे अब बहुत ही जल्दी इसमें रूट्स आ जाएंगे। तो फिर मैं आपको दिखाऊंगी कि कैसे रूट्स आ जाते हैं और इस तरीके से आप अगेव के प्लांट को बहुत सारे प्लांट तैयार कर सकते हैं एक प्लांट से, क्योंकि अपने स्टेम से बहुत सारे न्यू न्यू पत्तियाँ और बेबी प्लांट भी निकालता है जैसे कि देख रहे हैं। और ये मेरा बहुत ही पुराना प्लांट है, 2-3 साल का पुराना प्लांट है, देख रहे हैं जिस वजह से गमला पूरा टूट चुका है जैसे कि देख सकते हैं। और आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप अपने घर में अगेव का प्लांट लगा सकते हैं, ईजिली लग जाएगा। और लाइक शेयर कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।